हेलो गाइस, कैसे हैं आप? और मम्मी और मैं आ गए हैं किचन में। मम्मी ने चढ़ा दिया चाय और मम्मी आ रही हैं अभी। और मम्मी, आज हम क्या बना रहे हैं? मम्मी, आज ब्रेड हम बना रहे हैं ब्रेड के पकोड़े। पकौड़े और किस किस चीज की बना रहे हैं मम्मी, बताओ? आलू पालक की बना रहे हैं और ब्रेड पकोड़े। मम्मी कह रही है कि सुबह सुबह का मौसम है और आज संडे की छुट्टी भी है सबकी, तो सोचते हैं कुछ अलग खा लें, थोड़ा अच्छा भी लगेगा सुबह सुबह खाने में ना। तो अब हम बना रहे हैं, तो अभी हम, मम्मी भी थोड़ा अपना काम कर रही है और मैं बारीक बारीक जो है प्याज कट कर रही हूँ। मम्मी जी देखना, हरी मिर्च है क्या फ्रिज में? और अभी हम इसमें हरी मिर्च भी डालेंगे, प्याज डालेंगे, ताकि इसका जो मिक्सचर होगा थोड़ा अच्छा बन जाएगा। और अभी जो है हम लगे हुए हैं कामों में, प्याज काटना, आलू काटना, यही सब चीजें हो रही हैं। आप रख दो, मैं देख लूंगी। और फिर बनाएंगे पकोड़े। पकोड़े बेसिकली ठंड हो और पकोड़े ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पकोड़े ठंड में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, खाने में स्वाद भी आता है। तो अभी जो मम्मी है वो चाय को इसमें केतली में डाल देंगी है, अभी तो वो पक रही है, तो पकने के बाद जो है इसमें डल जाएगी। उसके बाद जो है हम इसमें सारी चीज ऐड ऑन करेंगे और आपको दिखाएंगे। बिकॉज कल नया साल है, नए साल पे मेरी छुट्टी नहीं है। मम्मी कह रही थी कि तुम्हारी तो छुट्टी नहीं है सोनिया, तो देखूंगी मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी, बट श्योर नहीं हूं कि मैं जल्दी आ पाऊंगी। तो इसके लिए आज थोड़ी सी प्रिपरेशन, थोड़ा सा कुछ नाश्ता जो हमें अच्छा लगे, मम्मी को अच्छा लगे, उसके हिसाब से बना लेते हैं। और फिर आज हम लेट उठे थे क्योंकि बिकॉज छुट्टी थी ना, और आज उसी के हिसाब से अभी जो है हम नाश्ता करेंगे। और मम्मी जो है चाय को छान रही हैं, और मम्मी जो है केतली में चाय को रख देंगी जब तक, और जब तक जो है हम इधर प्याज वगैरह कट के रेडी हो जाएंगे। और आप लोग क्या कर रहे हैं गाइस, कमेंट में बताइएगा जरूर मुझे। और बारीक बारीक जो प्याज है वो काट ली है मैंने, और बस यही चल रहा है अभी तो। और ये बन गई चाय। हमें बाद में जब दिखाते हुए बाद में दिखाता वो ला, नवी सी ट्रे लाऊंगी, देख उसमें दिखाऊंगी नवी सी में। हाँ चला दी गाइस, हमने ब्रेड पकोड़े बिल्कुल रेडी कर दिए हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और बहुत ही प्यारे प्यारे से ब्रेड पकोड़े रेडी हुए हैं। देखो अलग अलग तरह के, देखो कैसे हमने अलग शेप दे के बनाया है, ये वाला शेप का बनाया है, और अलग अलग तरह की, एक तरह से गोल गोल टाइप में हमने ये भी बनाया है। अलग अलग चीजें हमने बनाई है जो अच्छी लगती है खाने के लिए। तो गाइस आप लोग क्या कर रहे हैं कमेंट में बताइएगा जरूर मुझे। और आप लोग क्या कर रहे हैं गाइस कमेंट में बताइएगा जरूर। अभी जो है ऑलमोस्ट हमारे जो ब्रेड हैं वो ठीक के रेडी हो चुके हैं, और मैंने आपको होल्ड किया था थोड़ी देर के लिए बिकॉज मैं काट रही थी थोड़ा सा पालक, क्योंकि अलग अलग तरह के आज जो है हमारे यहाँ पे पकौड़ियां बन रही हैं। अब बनेंगी पालक की। मम्मी ने भिन्न भिन्न प्रकार की पकौड़ियां हमारे यहाँ पे बना दी, कहने लगी कि आज बना रहे हैं तो कुछ अच्छी अच्छी तरह की जो है पकौड़े बनाओ। अभी इरादा नहीं था कुछ पालक की बनाने का, बट अचानक ही फ्रिज में खोला तो मम्मी को दिखा, तो मम्मी कहने लगी बना ही लो थोड़ा थोड़ा। अब मैं इसको पालक को कट कर रही हूँ, और पालक को कट करके प्याज को मैंने इसमें डाल दिया है, और अभी जो है पालक मेरा कट हो रहा है, इसको मिक्स करूंगी। फिर इसमें प्याज डाल दिया है, अब इस मिक्सचर को, बैटर को मिक्स करेंगे, और हरी मिर्च को भी दो मैं इसमें डालूंगी, जिससे कि जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। आज मैंने जो है कई तरह के जो है पकोड़े बना ही लिए हैं, और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ दो हरी मिर्च। और ब्रेड का बनाया था हमने, ये अलग तरह का बनाया है, ये अलग तरह के गोल गोल वाले बनाए हैं। बहुत सारे पकोड़े, बहुत तरह की वैरायटी के पकोड़े आज हमने बना लिए हैं, और अभी जो है हम इसके बनाने वाले हैं पालक के पकोड़े। मम्मी आ जाओ, और अभी हम बनाएंगे पालक के पकोड़े। और
पालक के पकोड़े तो नाम से ही जो है प्रदर्शित होता है कि काफी अच्छा सा लगता है देखने में भी और खाने में भी, ये सब चीजें स्वाद जो होता है दुगना हो जाता है। और अभी जो है मैंने मिक्स कर दिया है इसको बटर को, अभी जो है हम बनाने जा रहे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी पकौड़ियां पालक की। और हमारे यहाँ आए हुए थे मेहमान, उनके लिए हमने बनाए थे, अभी अपने लिए भी बनाए थे, बाकी तो जब होते हैं तो सभी खाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम अलग से खाएंगे या वो नहीं खाएंगे। और अभी जो हम बना रहे हैं वो पालक के बना रहे हैं, पालक का पकोड़ा खाने में भी अच्छा लगता है और थोड़ा जो होता है स्वाद भी अलग ही हो जाता है इसका। और अब मैं वन बाय वन करके जो है इसको डाल दूंगी ताकि जो स्वाद होगा वो बढ़ जाए। और मैंने जो है इनको वन बाय वन करके डालना शुरू ही कर दिया है और अब हम खाएंगे। और देव ने तो अभी खा लिए हैं, बाकी हम ही बचे हुए हैं। और ये देखो मैंने पालक के कितने सुंदर से पकोड़े मैंने जो है बना के डाल दिए हैं। अब इसमें टाइम लगेगा क्योंकि पालक जो होता है समय लेता है किसी भी चीज को लेके। और इधर बन रही है हमारी अदरक की चाय और अभी मैंने इसमें सारा जो है मिक्सचर बैटर में डाल दिया है और अब जो है हम खाएंगे गरम गरम पकोड़े। और आप भी आ जाइए गाइस, आप लोगों को भी मैं इनवाइट कर रही हूँ कि आप भी आइए और खाइए हमारे साथ, अच्छा लगेगा आप लोग आएंगे तो। तो अभी जो है ऑलमोस्ट हमारा जो काम है वो होने ही वाला है। और देखो पालक की जो पकौड़ी है इसमें डल चुकी है, थोड़ा सा जो है अभी टाइम लगेगा इनको होने में और सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। इधर जब तक मेरी पकौड़ी हो जाती है तब तक मैं आपको दिखा दूं कि मम्मी क्या कर रही है। मम्मी खड़ी हुई है बाहर, मम्मी देव को देख रही है, देव किसी की बात नहीं सुनता है, बिल्कुल अपनी अपनी चलाता है। और अभी जाते हैं हम अमित जी के पास। अमित जी क्या कर रहे हैं आप? Hello. क्या कर रहे हैं अमित जी? अमित जी मूवी देख रहे हैं, अमित जी को मूवी का बड़ा शौक है तो अमित जी अभी बेड पे लेटे हुए हैं और मूवी का उनको बहुत ज्यादा शौक होता है। कुछ कहना चाहेंगे अमित जी? वीडियो को लाइक करो। आपने खा लिया क्या पकौड़े अमित जी? अमित जी अभी बताएंगे, अमित जी ने पकौड़ा नहीं खाया है। और देखो देव कैसे प्लेट को छोड़ के चला गया, देव का ब्रेड पकौड़ा यहीं पे रखा है, देव की चटनी चाय सब रखा है, देव को कुछ नहीं होता है कैसे खाना होता है नहीं होता है। और देव देखो कैसे खेल रहा है, मैं कह रही हूँ गेट से अंदर आ जाओ, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। और अभी हम सब जो हैं, मम्मी आती है तो थोड़ा मन हमारा लग जाता है। अभी बस ऐसे ही हमारी जो है चल रही है, इधर पकौड़े इधर रेडी हो जाएंगे हमारे, थोड़ा सा समय तो लगता है पकने में पकौड़ों को। और जब तक पकौड़े अच्छे से वो होंगे तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं आपके साथ। और बताइए गाइस, आप लोगों का सुबह मॉर्निंग में आज आप लोगों ने क्या खाया वो मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर। हम लोग तो आज पकोड़े बनाए हैं, जो आपको बता ही दिए कि आज हम पकोड़े बनाए हैं। और बस मैं यही जानना चाहती हूँ कि आप लोगों ने क्या खाया, आप लोगों ने क्या खाया वो मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको अभी कमेंट में वो सारी चीजें जो है अवेयर करवा दूंगी कि क्या खाया है क्या नहीं खाया है। और अभी मम्मी जो है, मैं बोलने वाली थी कि मम्मी आप ना करो, बट फिर भी मम्मी चली ही गई उधर। अब मम्मी को क्या ही बोलूं, मम्मी साथ में लगी रहती है सारा दिन हमारे काम के ना, मम्मी को लगता है कि बहू अकेली है कैसे कर पाएगी, तो थोड़ा सा ना मम्मी हेल्प कर देती है उस टाइप से ना हमारी। तो मम्मी के साथ ही हम सब करते हैं, मम्मी को ही दिखाते हैं। तो मम्मी जब होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बाकी तो ऐसा ही है। अभी जो है हम अलग अलग चीजें भी बहुत सारी कर रहे हैं जो हो रही हैं। और अभी जो है हमारे पकोड़े भी बन के रेडी हो चुके हैं गरम गरम। आ जाइए गाइस, नाश्ता कर लीजिए आप लोग भी, और हम लोग भी अभी करेंगे। आज हम बहुत लेट हो गए, हमारा नाश्ता और लंच का हमें पता ही नहीं चल रहा कि नाश्ता हो रहा है कि लंच हो रहा है। और अभी मम्मी जो है दूध को निकाल लेंगी, बाकी जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें हम मतलब पैकेट वगैरह का भी यूज कर लेते हैं, बाकी यहाँ से तो पॉसिबल नहीं हो पाता, ऐसी जगह रहते हैं कि दूध भैंस या गाय का मिल पाए। और बस
यही हमारी दिनचर्या होती है, बाकी तो कुछ खास हमारी जिंदगी में नहीं होता जो मैंने बता दिया है आप लोगों को। और अभी देखो हमारे पकोड़े जो हैं ऑलमोस्ट रेडी ही हो चुके हैं, मैं आपको दिखा दूं, ऑलमोस्ट जो है रेडी हो चुके हैं और हो ही जाएंगे। वैसे तो हमारे घर में ऑयल बहुत कम लोग खाते हैं, ऑयल तो खाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, बट अभी मम्मी जो है अदरक वाली चाय में जो है दूध डाल देंगी और जो है हमारी चाय बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एक बार पहले भी हम चाय बना चुके हैं, उसके बाद सेकंड टाइम अभी हमने बनाई है। तब तक मैं इस दूध को रख देती हूँ फ्रिज में, बाद में गर्म करेंगे फ्री टाइम में इसको, क्योंकि अभी हम लोग भी नाश्ता करेंगे सब बैठ के एक साथ। और गाइज आप लोग बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे हैं? और अभी ऑलमोस्ट हमारा जो काम है वो हो ही चुका है, अभी बस चाय भी हमारी बन चुकी है, सब रेडी है, हम खाने को तैयार हैं। और गाइज आप लोग भी आ जाइए हमारे यहाँ पे खाने के लिए, हमारा जो डाइनिंग टेबल पे अभी हम लगाएंगे और साथ ही हम लोग जो है नाश्ता करेंगे। अब लोग मिलते हैं गाइज नेक्स्ट व्लॉग में।